फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइल की ग्राउटिंग के बारे में कि जब आप टाइल जो है ग्रूव देके लगवाते हैं तो उस दौरान जब उसमें ग्राउटिंग को जब आप फिल करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जब आप ही अपने घरों में टाइल्स की ग्राउटिंग करवा रहे हैं या फिर अपनी साइट पर करवा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं साइट पर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं साइट पे और अब आप देख सकते हैं कि साइट पे ये जो टाइल्स हैं ग्रूव्स देके लगी हुई हैं ग्रे कलर की टाइल्स और इसके बीच में जो ग्राउटिंग का काम चल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राउटिंग हो रही है इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया। देखिए ये जो टाइल है बेसिकली ये मैट फिनिश में है तो इसमें पहले जो टेपिंग करी हुई है पहले इसमें 1 इंच की टेपिंग का यूज़ करा हुआ था ये टेप जो लगी हुई है। तो इसमें बेसिकली अगर ये टेप का यूज़ नहीं करते तो इसमें साफ़ सफाई में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें लेबर ज़्यादा लग जाती है। तो 2-2 इंची की टेप का यूज़ करा हुआ है और जब ये बेसिकली इसको उखाड़ेंगे तो देख सकते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रूव आपको जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे ग्रूव जो मिलेंगे। इसमें बस कुछ नहीं करना, आप ग्रूव फिल करिए और उसके बाद जो टेपिंग को उखाड़ दीजिए तो आपको बिल्कुल टनाटन मिलेगी। और इसके साथ ये जो देख रहे हैं केमिकल जो है वो मिलाया गया है और ग्राउटिंग में बेसिकली 20% ये मिला हुआ है, 80% जो ग्राउट है। तो इस तरीके का मिक्सचर जो है यूज़ करके जो है इसमें ग्राउटिंग फिल करी गई है। अब दोस्तों कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि नॉर्मल जो ग्राउटिंग आती है उसकी बजाय सीमेंट का यूज़ कर देते हैं, लेकिन सीमेंट का यूज़ आप ना ही करिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि सीमेंट का जो प्रॉपर्टी में क्या है श्रिंक के जाने के चांस जो है वो ज़्यादा रहते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसमें जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं। और दोस्तों ये जो काम करने वाले भैया हैं इनका एक बेसिकली खुद का अपना एक रेसिपी है जो कि इन्होंने मेरे को बताया था कि अगर टाइल्स जैसे लगी हुई हैं कहीं पर उन टाइल्स को साबुत निकालना है तो ये वो भी निकाल सकते हैं। वो इन्होंने मेरे को नहीं बताई है, वो इनका अपना कुछ फॉर्मूला जिससे क्रिएट करते हैं उस केमिकल को और एक टाइल तोड़ के पीछे डाल देते हैं और बाकी सारी टाइल जो है वो निकाल लेते हैं अगर बाई चांस पुरानी टाइल हमें निकालनी है तो। तो दोस्तों अगर आपको टाइल से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फिर टाइल का कोई भी काम करवाना है तो इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।